ओ माय गॉड के रिलीज के 11 साल बाद इसका सीक्वल ओ माय गॉड 2 अब 11 अगस्त को थिएटर्स में आने वाला है एंड आज के दिन इसका टीजर ड्रॉप हुआ। अब देखो कल के दिन जवान नाम की पिक्चर है जो अपना बम फोड़ा था उसकी वजह से इसके टीजर बोलने की कोई भी हाइप नहीं है। एंड अगर इसकी पिक्चर की रिलीज की बात करें तो 11 अगस्त को सनी पाजी की गदर 2 आ रही है। वैसे अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो पिछली 5-6 पिक्चर से अक्षय पाजी का रिकॉर्ड डाउन चल रहा है। 2-3 पिक्चर अच्छी होने के बावजूद भी कलेक्शन एवरेज था और उसके बाद भी ये लोग क्लैश लेने चले आए, वो भी किससे, गदर 2 से। खैर अगर टीजर की बात करें तो 1 मिनट 26 सेकंड का ये पूरा टीजर था जिसमें से 35 से 40 सेकंड का अपने को मूवी से फुटेज देखने को मिला होगा, बाकी का टाइम तो टाइटल कार्ड्स में वेस्ट हो जाता है। लेकिन ये टीजर एक नैरेटिव एंड से शुरू होता है जिसकी वजह से एक बेसिक प्लॉट हमें पता चल जाता है कि मूवी का बेसिक प्लॉट क्या होने वाला है, जहां ओ माय गॉड मूवी परेश रावल के कैरेक्टर कांजी लाल जी मेहता के अराउंड रिवॉल्व करती है जो कि एक नास्तिक होता है यानी कि एक नॉन गॉड बिलीवर। एंड वैसा कुछ प्लॉट इस मूवी का भी होने वाला है जहां ये मूवी रिवॉल्व करेगी पंकज त्रिपाठी के कैरेक्टर के अराउंड यानी कि अपने कांति शरण भैया के अराउंड जो कि एक्चुअली में भगवान में बिलीव करता है, आस्तिक है और भक्त है भगवान का। एंड इस टीजर को देखने के बाद एक चीज तो क्लियर है कि इस मूवी में भी एक कोर्ट रूम ड्रामा देखने को मिलेगा जैसे कि प्रीक्वल मूवी में भी दिखाया गया था, क्योंकि एक सीन के अंदर अपन पंकज त्रिपाठी को देख सकते हैं कोर्ट रूम को साफ करते हुए। अब ऑल्दो मुझे ओ माय गॉड का पार्ट 1 बहुत पसंद आया था क्योंकि उसमें बहुत सारे डिफरेंट एंगल्स थे जो कि वर्क करते हैं, जैसे कांजी मेहता की पर्सनल प्रॉब्लम्स थी, उसकी दुकान गिर जाती है, उसके बाद उसकी बीवी बच्चे छोड़ जाते हैं, उसके पड़ोसी उस पर पत्थरबाजी करते हैं दिन रात और वो जहां भी जाता है उसे भगवान के भक्त जीने नहीं देते, मतलब परेशान करते हैं, भगा लेते हैं, दौड़ा लेते हैं। एंड इन सब के अलावा तुम मिथुन दा एंड टीम को कैसे भूल सकते हो। एंड मूवी के एंड आते हैं तो जो ट्विस्ट आता है वो वर्क कर जाता है बहुत से लोगों के लिए, जहां पे वो पैरालाइज हो जाता है और भाई लोग उसे ही पूछने लगते हैं भगवान बना के, तो वो ट्विस्ट बहुत लोगों के लिए वर्क कर गया था, इवेंचुअली मेरे लिए भी वर्क कर गया था जब आज से 10 साल पहले 11 साल पहले मैंने ये मूवी देखी थी। तो और अगर ऐसा ही कुछ अप्रोच लेके वो लोग ये मूवी में भी चलेंगे तो ये मूवी चल जाएगी, क्योंकि इंडिया के अंदर लोग भगवानों को पूजते हैं और अगर तुमने भगवानों को अच्छे तरीके से पोर्ट्रे कर लिया तो भगवान के भक्तों की तुम पर कृपा बरस जाएगी, मतलब कि पैसे मिल जाएंगे, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, समझ रहे हो। अब हालांकि मैं इन चीजों में विश्वास रखता हूँ कि भाई तुम्हें एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए अपने पिछले काम से, बल्कि तुम्हें कुछ नया भी ट्राई करना चाहिए, पर अभी इस टीजर को देखने के बाद तो यही कह सकते हैं कि बस अक्षय कुमार का लुक ही नया दिख रहा है। बट उम्मीद करते हैं कि मूवी में और भी जगह उन लोगों ने न्यू और यूनिक टेक लिया हो ताकि मूवी इंटरेस्टिंग बनी रहे और वही सेम टू सेम एज इट इज ना लगे कि हमने भाई ये मूवी ऑलरेडी देख रखी है, बस कैरेक्टर्स को चेंज कर दिया गया है। अब एक और चीज जो हम इस मूवी से बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे वो ये होगी कि भाई ये लोग गॉड्स को कुछ ऊपर नीचे करके ना दिखा दे, क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां लोग कॉमन सेंस से नहीं बल्कि अंधभक्ति से ड्राइव हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, भड़क जाते हैं, एक दूसरे को गाली देने लगते हैं सिर्फ और अभी इसी साल स्टार्टिंग में जब पठान का सॉन्ग रिलीज हुआ था तो दीपिका पादुकोण ने सिर्फ एक भगवा कलर का कपड़ा पहन लिया था, उस पर इन लोगों ने इतनी बकचोदी पेल दी थी, बॉयकॉट ट्रेंड करा लिया। हाँ वो बात अलग है कि मूवी ने 1000 करोड़ का कलेक्शन कर लिया, लेकिन फिर भी वो तो सिर्फ एक गाना था, वहाँ पे दीपिका ने सिर्फ एक भगवा कलर का कपड़ा पहना था। एंड यहाँ पे तो आप लिटरल गॉड को पोर्ट्रे कर रहे हो, तो उम्मीद करते हैं कि वो लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से कैरी आउट कर ले और ऐसा बॉयकॉट वाली बकचोदी इस मूवी से वापस ना हो क्रिएट, क्योंकि इस पॉइंट पे अक्षय पाजी एक और फ्लॉप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड म्यूजिक यूज हुआ है वो मेरे लिए वर्क नहीं करता, हो सकता है तुम्हें पसंद आए, तुम्हारा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है। अब इस टीजर के एंड होते तो जो 2-3 लाइन बजती है हर हर महादेव वो मुझे हिट करती है थोड़ी बहुत, लेकिन स्टार्टिंग के टीजर में जो म्यूजिक यूज हुआ है वो मेरे लिए नहीं था, बिल्कुल नहीं था मेरे लिए। ओवरऑल टीजर की बात करें तो ये ठीक ठाक टीजर था, ऐसा कुछ नहीं था कि भाई ये तुम्हें मूवी के लिए हाइप कर दे और तुम मजबूर हो जाओ पिक्चर देखने के लिए। उम्मीद करते हैं कि ट्रेलर से वो लोग ये गलती सुधार दें और कुछ ऐसा एलिमेंट जरूर डाले जिससे ऑडियंस जो है वो खींची चली जाए थिएटर के लिए, अगर उनके पास मूवी में है ऐसा एलिमेंट तो। और बाकी मैं इस मूवी से ये वाला गाना तो एक्सपेक्ट करता ही हूं। मैं तो नहीं हूं इंसानों में। तो खैर आज के लिए बस इतना ही, तुम्हें ओ माय गॉड 2 का टीजर कैसा लगा अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और अगर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और देखना चाहते हो इंडियन सिनेमा या वर्ल्ड सिनेमा से रिलेटेड तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हो। बाकी मेरा नाम है अभी एंड यू आर वॉचिंग सिनेमा विद अभी।